ग्यारहवां अध्याय भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। सौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरणाधर्म पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुणादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने कहा, सौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पंचरात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट स्वरूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महातत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, इन नौ तत्वों के सहित 11 इंद्री तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इनके चरण हैं, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं, लज्जा ऊपर के ओष्ठ हैं, लोभ नीचे के होठ हैं, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट स्वरूप के सिर पर उगे हुए बाल हैं। सौनक जी, जिस प्रकार यह व्यस्ति पुरुष अपने परिमाण से सात वित्ते का है, उसी प्रकार वह समस्त पुरुष भी इस लोक संस्कृति के साथ अपने से सात वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप अजन्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापनी प्रभा को वक्ष स्थल पर श्री वत्स रूप में वे अपने सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छंद को पीतांबर के रूप में तथा आ, उ और मा इन तीनों मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाली ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म यज्ञादि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमुद की गदा, जल तत्व रूप पांच जन्य शंख और तेज तत्व स्वरूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप शंख, धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान की बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान के पूजा स्थान है। अंतःकरण शुद्धि की मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान का पूजन है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन छह पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चवर एवं व्यंजन के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ के छत्र रूप में वे धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुण है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वाहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उन सभी बिछड़ने वाली आत्मदर्शिका का नाम ही लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वश्रुत, विश्वक्सेन, पंचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंदनादि आठ द्वारपाल कहते हैं। सौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था में अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्नावस्था में अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देख
देखते और ग्रहण करते हैं वे ही सुसुप्ति अवस्था में अभिमानी प्रज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरी रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त होकर तथा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरी रूप में प्रकाशित होते हैं। सौनक जी वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि स्वरूपों में एवं नामों में इस प्रकार विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों में और नामों में उनका ज्ञान कभी आवृत्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक सा रहता है। ब्रज की गोपबालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद आपके नाम गुण और लीलाओं का श्रवण करने से ही जीवन का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूत अंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी भगवान श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि गंधर्व नाग अप्सरा यक्ष राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वारदश आदित्यों के साथ रहकर क्या क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूपों में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि विद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार वर्तमान प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों में आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे ही सभी एक ही हैं। तथापि ऋषियों ने उनका बहुत से रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। सौनक जी एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञादि क्रिया कर्ता स्रोवा आदि कारण यज्ञादि कर्म वेद मंत्र शाकल्य आदि द्रव्य और फल स्वरूप 9 प्रकार के कहे जाते हैं। कालरूपी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीने में भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी धाता नामक सूर्य कृतस्थली अप्सरा हेती राक्षस वासुकी सर्प रथकृत यक्ष पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमा सूर्य पुलह ऋषि अथौजा यक्ष प्रहेति राक्षस पुंजक स्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कच्छीनर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य अत्रि ऋषि पौरुषे राक्षस तक्षक सर्प मेनका अप्सरा हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि रंभा अप्सरा सहजन्य यक्ष हुहु गंधर्व शुक्र नाग और चित्रस्वान राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उसके साथ विश्वासु गंधर्व श्रोता यक्ष एलापात्र नाग अंगिरा ऋषि प्रामलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उसके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र राक्षस आसारण यक्ष भृगु ऋषि अनुम्लोचा अप्सरा और शंखपाल नाग कहते हैं। सौनक जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग वात राक्षस सुषेण गंधर्व सुरुचि यक्ष घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास में कार्यकाल पार्जन नामक सूर्य का है। उसके साथ क्रतु यक्ष
वर्षा राक्षस, भारद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्थ यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत छत्रु, राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिष्ट नेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्र अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बलक नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेता राक्षस, शतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल होता है तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। सौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सहते हैं और बलवान राक्षस उनके पीछे धकेलते हैं। इनके सिवा बालखिल्या नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव महर्षि सूर्य की ओर मुख करके उनके आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि के कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं।